गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने देखा था मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि थर्स्टन मापन विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति को कैसे मापते हैं। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और यह विधि एक श्रेष्ठ विधि के रूप में भी मानी गई है। तो आज हम लोग देखते हैं दूसरी विधि, जिसके अंतर्गत आती है लिकर्ट मापनी विधि। यह एक सफल विधि है। इस मापदंड का निर्माण लिकर्ट ने 1932 ईस्वी में किया था। इसके माध्यम से साम्राज्यवाद, अंतर्राष्ट्रीय आदि के प्रति मनोवृत्ति का माप किया। यह एक सरल विधि है। इसमें कथनों को जजों के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता। इसमें जिस समस्या पर अध्ययन करना होता है, उससे संबंधित सारे कथनों को एकत्र किया जाता है और मापन के लिए सीधे लोगों को दिया जाता है। लिकर्ट स्केल में 5 श्रेणियां होती हैं: दृढ़ अस्वीकृति, अस्वीकृति, अनिश्चित स्वीकृति तथा दृढ़ स्वीकृति, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री। इस श्रेणी के माध्यम से व्यक्ति की स्वीकृति तथा अस्वीकृति की मात्रा का पता चलता है। इस विधि में स्केल के निर्माण में अधिक समय नहीं लगता है। इस विधि से अध्ययन करने पर भी समय तथा श्रम की बचत होती है। इसलिए थर्स्टन विधि की अपेक्षा लिकर्ट स्केल का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, इसलिए यह थर्स्टन विधि से अधिक श्रेष्ठ विधि है। लिकर्ट मापन के स्तर। इसके निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम अध्ययनकर्ता माप से संबंधित मनोवृत्ति के पक्ष तथा विपक्ष में दिए गए कथनों का संकलन करता है। चुने गए कथनों को अध्ययनकर्ता सूचनादाताओं के प्रतिनिधित्व समूह को देता है और ये प्रतिनिधित्व समूह स्वीकृति तथा अस्वीकृत वर्गों में अपनी इच्छा अनुसार उपयुक्त वर्गों तथा श्रेणियों पर सही का निशान लगा कर उत्तर देते हैं। अतः कुछ प्रश्न दिए होते हैं, जिसमें से जो प्रयोज्य जो होता है उसको उस उत्तर में से जिससे वे सहमत हैं, चाहे वो स्वीकृत हो चाहे अस्वीकृत हो, उस पर उसको सही का निशान लगाकर उत्तर देना होता है। इसके बाद कथनों को अंक प्रदान किया जाता है। अंक देते समय दृढ़ स्वीकृति वाली श्रेणी को सर्वाधिक, मतलब कि 5 अंक दिए जाते हैं। इसी प्रकार स्वीकृति को 4, अनिश्चित को 3, अस्वीकृति को 2 तथा दृढ़ अस्वीकृति को 1 अंक प्रदान करते हैं। अंत में उन अंकों का योगफल सूचनादाता का कुल स्कोर होता है। परंतु इस स्केल में भी कुछ दोष हैं। जैसे इस स्केल के माध्यम से सहमति या असहमति, मतलब स्वीकृति या अस्वीकृति के आधार पर व्यक्तियों में अंतर किया जाता है, परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि एक व्यक्ति दूसरी व्यक्तियों की अपेक्षा कितनी अधिक सहमत या असहमत है।
इस स्केल के माध्यम से परिवर्तन की सही मात्रा का भी ज्ञान नहीं होता है। अतः इस प्रकार के स्केल के माध्यम से केवल यही हो सकता है कि सूचनादाताओं को सहमति या असहमति के क्रम में रखा जाए। थैंक यू।